हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 12 का सबसे पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें जाइए, हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है हमारा चार्ज, ठीक है, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। यानी कि चार्ज जब हमारा रेस्ट में होगा तब हम उसको हम कैटेगरी में बांटेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कैटेगरी में बांटेंगे, ठीक है। और एक होता है हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक, जो हमने बताया था, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब हमारा चार्ज हो गया और डायनामिक का मतलब होता है मोशन। यानी कि जब चार्ज हमारा मोशन में होगा तब हम उसको इलेक्ट्रोडायनामिक की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। लेकिन जब चार्ज रेस्ट में होगा तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के में डिवाइड करेंगे, ठीक है, दो तरीके से, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसमें जानते हैं चार्ज के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं चार्ज कि व्हाट इज द चार्ज, चार्ज क्या होता है। चार्ज जो है ना, एक मास जैसा ही किसी भी सब्सटेंस की इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे मास किस सारे सब्सटेंस की क्या है, इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है, उसी तरह चार्ज भी क्या है, एक इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसको हम चार्ज के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं, चार्ज इज द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ, चार्ज इज द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच दे प्रोड्यूस ड्यू टू विच प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। ये हो गया चार्ज के बारे में। या हम एक इसका और अल्टरनेट डिफिनेशन बोल सकते हैं। अल्टरनेट डिफिनेशन क्या होते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में क्या होता है, एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब सारे होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी सब्सटेंस पर अगर हमारा एक्सेस अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तब वो एक चार्ज के रूप में क्या होता है, चार्ज के फॉर्म में जो है ना उस पर शो होने लगता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अल्टरनेट डिफिनेशन में कि द एक्सेस और एक्सेस और डिफिशियंसी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन बॉडी गिवेन बॉडी कॉल्ड चार्ज या सो विच कैन सो कैन सो चार्ज, चार्ज को वो क्या करता है, सो करने लेता है। या तो इलेक्ट्रॉन की अगर एफिशियंसी होगा तो इलेक्ट्रॉन पर उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट है तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तब भी वो चार्ज के फॉर्म में क्या हो जाएगा, शो करने लगेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो इसका होता है, क्या होता है, चार्ज जो होता है हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी,
अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिक सम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर स्केलर क्वांटिटी है तो अगर मान लो 1 कूलम का चार्ज प्लस 3 कूलम का चार्ज है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 4 कूलम का चार्ज, ठीक है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी को हम डायरेक्ट सिंपल एडिशन कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी अगर क्वांटिटी स्केलर है तो उसको हम अलजेब्रिक सम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या है कि चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू होता है, सिंबल इसका जो होता है वो या तो कैपिटल क्यू या इसको स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तीसरा जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, इसका यूनिट, यूनिट तो हमने यहां पे कूलम बता दिया, तो इसका यूनिट होता है कूलम। कूलम जिसको सी से डिनोट करते हैं। चौथा जो होता है, चार्ज दो तरह के होते हैं, ठीक है, टू टाइप होता है, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव जिसको हम शॉर्ट में प्लस वी लिख देते हैं, एक होता है हमारा नेगेटिव जिसको हम शॉर्ट में माइनस वी लिख देते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में कुछ बता देते हैं। देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज अगर दो रहेगा, ठीक है, या फिर दो नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, रिपेल करेगा, यानि अगर इफ अगर ऐसा होगा तो ऐसा रहेगा तब, इफ अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा अट्रैक्ट करेंगे, या फिर हमारा नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा तब पर भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टी होते हैं जो हम आगे जानते हैं, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि चार्ज और मास दोनों जब मैटर का इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है उसके बारे में देखते हैं। चार्ज एंड मास, दोनों क्या है, हमारा एडिटिव नेचर का होता है, ये भी क्या होता है, एडिटिव नेचर का, एडिटिव नेचर, ये भी हमारा एडिटिव नेचर का होता है, एडिटिव नेचर का ये भी होता है। ये क्या होता है, चार्ज वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए इससे पहले ये चार्ज क्या होता है, दो तरह का होता है, एक होता है हमारा इसमें पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ये जो होता है मास, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, जबकि मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन स्पीड, ठीक है। मास किस तरह से स्पीड पे डिपेंड करता है, तो एक रिलेशन होता है, m बराबर होता है m नॉट बट्टा और रूट अंडर 1 - v² / c², ठीक है, जहां पे हमारा m नॉट जो है ना वो रेस्ट मास है। m नॉट क्या है, हमारा रेस्ट मास, ठीक है, और m जो है वो है मूविंग मास, मूविंग मास, ठीक है।
यहाँ पे हम m को मूविंग मास लिखते हैं। मूविंग मास, ठीक है। तो आप ये बोलिएगा कि क्या कोई इंसान अगर दौड़ेगा तो क्या उसका मास बढ़ जाएगा? डेफिनेटली डेफिनेटली, अगर कोई इंसान अगर रेस्ट में है तो उसका मास क्या होगा? कम होगा। लेकिन जब वो दौड़ने लगेगा तो उसका मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बट लेकिन इंसान की केस में या फिर कोई अगर जानवर अगर दौड़ता है तो उसके केस में जो है ना, हम मास को रेस्ट मास के बराबर ही, मूविंग मास को भी हम रेस्ट मास के बराबर ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी इंसान का जो अगर मास होगा, मतलब रेस्ट मास मान लेते हैं हमारा 80 kg है, ठीक है। बट वो जो अगर कोई इंसान है वो ज्यादा से ज्यादा अगर उसकी स्पीड देखोगे तो वो 10 m/s से ज्यादा नहीं दौड़ सकता है। अगर कोई भी इंसान कितना भी दौड़ सकता है तो 10 m/s, 12, 15 इतना ही दौड़ सकता है। तो अगर आप यहाँ पे इंसान की स्पीड 10 m/s² रखोगे और जो सी का जो वैल्यू होता है वो होता है 3×10^8 m/s, ठीक है। सी की जो वैल्यू होता है 3×10^8 m/s, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि जो हमारा जो ये जो क्वांटिटी है ये भी से बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टर्म है लगभग लगभग हम इसको 0 मान सकते हैं, क्योंकि ऊपर में हमारा छोटा है और नीचे में बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये टर्म हमारा लगभग 0 हो जाएगा। तो जो हमारा ये टर्म 0 हो जाएगा तो m0/1 हो जाएगा, यानी कि m का वैल्यू m0 के ही इक्वल आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं यानी कि जब इंसान वगैरह कोई दौड़ता भी है तो उसका रेस्ट मास और जो मूविंग मास है वो लगभग इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड ही इतनी कम होती है कि उस दोनों के मास को हम इक्वल मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये छोटे पार्टिकल के लिए वैलिड होगा, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना एक वेव जैसा होता है, ठीक है। तो वेव की स्पीड तो लगभग लगभग लाइट की स्पीड के बराबर होती है। तो ये जो है छोटे पार्टिकल के लिए क्या होगा? वैलिड होगा। छोटे पार्टिकल में ये आपको बिल्कुल क्लियरली पता चलेगा कि ये जो है मूविंग मास जो है ना छोटे पार्टिकल का वो क्या है, ज्यादा है रेस्ट मास से, ठीक है। बट ये इंसान वगैरह की केस में देखोगे तो ये पता नहीं चलेगा आपको। इसलिए इंसान की केस में जो है ना रेस्ट मास और मूविंग मास दोनों बराबर माना जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसके अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए इसकी अगली प्रॉपर्टी होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो होता है ना हमारा कंजर्व होता है, ठीक है। हम लिख सकते हैं इसके बारे में, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट दे कैन ट्रांसफर फ्रॉम इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। चार्ज को जो है ना हम क्या करते हैं, क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। अगर हम किसी आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उसका चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा टोटल चार्ज, ठीक है। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब होता है अकेला, आइसोलेटेड सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो हमारा कंजर्व होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे ये मेरा आइसोलेटेड एक सिस्टम है, ठीक है। इसमें हमने डिफरेंट टाइप के चार्जेज रख दिए, जैसे हमने यहाँ पे रख दिया 3 coulomb का चार्ज एक रख दिया, एक हम रख दिया +1 coulomb का चार्ज रख दिया, एक हमने -2 coulomb का चार्ज रख दिया, ठीक है। और तीनों चार्ज को हमने क्या किया, मिला दिया, इस तीनों चार्ज को मिला दिया। ये हमारा क्या था, इनिशियल स्टेट था,
और इसको हमने मिला दिया फाइनली। और देखिए मिलाने के बाद क्या हो गया, हमारा एक पर हमारा 2 कूलम का चार्ज आता है, दूसरे पर हमारा 3 कूलम का चार्ज आ जाता है, ठीक है। और तीसरे पर हमारा जो चार्ज है वो हमको फाइंड करना है, यानी कि तीसरे पर मान लेते हैं क्यू कूलम आता है, ये क्यू का वैल्यू हमको कितना होगा वो फाइंड करना है। तो हमने क्या बताया कि टोटल चार्ज जो है सिस्टम का सिर्फ ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है, ट्रांसफर होता है। तो हम क्या होगा, जो इनिशियल चार्ज होगा वो हमारा क्या होगा, फाइनल के बराबर होगा, फाइनल के बराबर होगा। तो इनिशियल में हमारा टोटल कितना चार्ज है, 3 कूलम का प्लस 1 कूलम का, ठीक है, और प्लस माइनस 2 कूलम का, ठीक है। फाइनल में हमारा जो टोटल चार्ज है वो 2 कूलम का प्लस 3 कूलम का और प्लस क्यू मान लिए हैं। अब यहाँ पे अगर हम टोटल चार्ज की अगर बात करते हैं तो वो कितना है, 3 × 4 यहाँ पे हो जाएगा 2 कूलम, ठीक है। और यहाँ पे जब हम टोटल चार्ज बात करेंगे तो 5 कूलम प्लस क्यू, तो क्यू की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस 3 कूलम, ठीक है। क्यू इक्वल टू जो आ गया वो माइनस 3 कूलम आ गया। तो हमारा जो थर्ड चार्ज है उस पर हमारा इतना वैल्यू हो जाएगा। और आप देख भी सकते हैं चेक करके भी, यहाँ पे इनिशियल में जो टोटल चार्ज था वो 3 कूलम प्लस 1 कूलम 4 कूलम और माइनस 2 कूलम, टोटल यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज था। और यहाँ पे फाइनल में जो टोटल चार्ज हो गया 3 कूलम और 2 कूलम 5 कूलम और ये माइनस 3 कूलम, तो माइनस 3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, बाद में भी हमारा टोटल 2 कूलम का चार्ज बच गया। तो इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ये हमने प्रूफ भी कर दिया। अब एक अगला प्रॉपर्टी होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, ठीक है, वो जो हमारे यूनिवर्स में अकेला एग्जिस्ट करते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट या इसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ऑफ चार्ज, दे कैन बी एग्जिस्ट इन आइसोलेटेड फॉर्म, आइसोलेटेड फॉर्म इज 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना, अगर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन का, इसकी जो वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। अगर ये किसी इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये किसी इलेक्ट्रॉन के लिए है, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अगर ये प्रोटॉन के लिए है चार्ज, तो इसकी वैल्यू होगा +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ सबसे छोटा जो है वो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज होता है, इससे छोटा भी चार्ज होता है, क्वार्क होता है, एंटी क्वार्क होता है, लेकिन वो क्या है, अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की चार्ज सबसे छोटा है, तो है जो अकेला एग्जिस्ट करता है अभी तक के लिए। लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी सिस्टम पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इस स्मॉलेस्ट चार्ज का मल्टीपल इंटीग्रल होगा, ठीक है। बोल सकते हैं कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन एनी सिस्टम चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन एनी सिस्टम इज द
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज सच डेट क्यू बराबर एन इंटू ई, ठीक है, जहां पर Q जो है हमारा टोटल चार्ज है और N जो है ना वो इंटीजर है, ये क्या है हमारा टोटल चार्ज है। टोटल चार्ज ये जो है वो इंटीजर है, एनी इंटीजर, इंटीजर इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, अगर पॉजिटिव इंटीजर की अगर बात करते हैं तो वो होगा 1, 2, 3, अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो -1, -2, -3 .. ठीक है। और E की जो वैल्यू है, E की वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो यही हमारा क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है कि किसी भी सिस्टम पर जो चार्ज होगा वो तो या तो प्लस एनी या फिर माइनस एनी होगा चार्ज, यानी कि किसी भी सिस्टम को हम 1.3 चार्ज नहीं दे सकते हैं या किसी भी सिस्टम को हम 2.5 चार्ज नहीं दे सकते, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू हम चार्ज नहीं दे सकते हैं, हम उसको सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ चार्ज दे सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैन अ चार्ज ऑफ 8 × 10⁻¹⁸ कूलम कैन बी गिवन टू अ बॉडी, इतना कूलम चार्ज जो है हम किसी बॉडी को दे सकते हैं। देखिए, तो हमने अभी जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया वो क्यू बराबर क्या बताया, एन इंटू ई, ठीक है। तो टोटल चार्ज हम इतना है हमारा, तो 8 × 10⁻¹⁸ कूलम इंटू एन गुने 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है, कूलम से कूलम कहा गया कैंसिल हो जाएगा। तो एन की जो वैल्यू यहां पर हम निकालेंगे वो 8 × 10⁻¹⁸ बट्टा 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व कर दिए तो ये आ गया 18 कट गया 18 / 1.6, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 100/2 यानी कि 50 आ गया। तो n की वैल्यू क्या आ गया, 50 आ गया, जो कि क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है, ये क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू आया है, इंटीजर वैल्यू आया है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यस, चार्ज 8 × 10⁻¹⁸ कूलम कैन गिवन टू एनी सिस्टम, टू अ सिस्टम, यानी कि इतना कूलम का चार्ज हम सिस्टम को दे सकते हैं। अगर ये इंटीजर नहीं आता तब यहां पे आंसर होता नो, तब हम ये नहीं दे सकते थे। तो चार्ज की प्रॉपर्टी में बस इतना ही था। अब हम इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग कि हम किसी भी बॉडी को कितने मेथड से हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।